गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम के हम लोग इसके पिछले वाले पार्ट्स में एनिमल किंगडम से आए, फाइलम पूरी फेरा पढ़ चुके हैं। आज नया फाइलम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उससे विकसित फाइलम पूरी फेरा से थोड़ा सा डेवलप जंतु का समूह है जिसे फाइलम नाइडेरिया में रखा गया। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है फाइलम नाइडेरिया। देखिए जो नाइडेरिया है, नाइडेरिया की बात करें तो नाइडेरिया जो है यहां पर नाइट शब्द से बना है। नाइडेरिया जो है वो नाइट शब्द से बना है। नाइट का मतलब होता है स्टिंगिंग या नेटल सेल, मतलब कि यहां पर जो है दंश कोशिकाएं। स्टिंगिंग या नेटल कोशिका से कहते हैं दंश कोशिका कहते हैं। हालांकि जो नाइडेरिया है, नाइडेरिया को एक और नाम से जानते हैं, इसको जो है सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। सिलेंट्रेटा नाम में जो है दो, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है सिर, सिर मतलब होता है यहां पर जो है सीरोम, जिसको जो है बॉडी कैविटी के नाम से भी जो है कह सकते हैं। बॉडी कैविटी के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो एक है सीरोम प्लस जो है इंट्रॉन। इंट्रॉन होता है गट। तो इस तरह से जो है जो नाइडेरिया, उस नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा के नाम से ही जो है जानते हैं। जो फाइलम नाइडेरिया, इसका जो ज्ञान है वो अरस्तु को भी था। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि नाइट मतलब कोई कुछ ऐसे जंतु होते हैं बहुकोशिकीय, जो लोग काफी निम्न कोटि के होते हैं, जिनमें अपने सुरक्षा के लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसको बाद में जो है ल्यूकॉट ने जो है इस फाइलम को, नाइडेरिया को अलग फाइलम में इस्टैब्लिश किया। इस्टैब्लिश फाइलम नाइडेरिया। अगर हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करें, फाइलम नाइडेरिया के जनरल कैरेक्टर की बात किया जाए, यहां पर जो है जो फाइलम नाइडेरिया में जितने भी जंतु हैं, वैसे इन जंतु के लगभग 10,000 जातियां ज्ञात हैं। अगर इनकी बात किया जाए नाइडेरिया में के जो जंतु हैं, इन जंतु सबसे यूनिक चीज यहां पर अगर पाया जाता है तो वो है इसमें पॉलीपेन मेडुसा। इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी डाइमॉर्फिज्म होती है, डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि यहां पर जो है जो बॉडी होती है इसकी जो है द्विरूपी होता है। इसमें एक जो है पॉलिप पाया जाता है। पॉलिप जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, दूसरा इसमें जो है मेडुसा पाया जाता है जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है। तो इस तरह से पॉलिप और मेडुसा यहां पर जो है दो चीज पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जंतुओं में केवल पॉलिप पाया जाता है, कुछ में केवल मेडुसा। इसमें जो है इसमें भी कई कई भेद होते हैं, अर्थात बहुत सारे भेद रहते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें जो है एक और ध्यान है कि इसमें बहुरूपता पाई जाती है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। इसमें बहुरूपता पाई थी, क्योंकि इसमें पॉलिप और मेडुसा पाया था। पॉलिप सिलेंड्रिकल होता है और मेडुसा जो होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका शारीरिक संगठन होता है। शारीरिक संगठन यहां पर यह भी जो डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर से बना हुआ, लेकिन इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है परमानेंट होता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर अस्थाई होता है। डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो यहां पर इस्टैब्लिश्ड होता है, अस्थाई होता है, जिसके कारण क्या होता है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यहां पर टिश्यू लेवल का हो जाता है, टिश्यू ग्रेड का यह जो है यंत्र होता है, टिश्यू ग्रेड सिस्टम इसमें जो है प्राप्त। तो इस तरह से ऊतकीय स्तर का, क्योंकि इसमें कोशिकाओं के समूह मिलकर के ऊतक बना लेते हैं, यानी ऊतकीय स्तर का ये जो है जंतु होते हैं। तो ये चीज है। इसके अलावा इसमें सिमिट्री की अगर बात किया जाए, सममिति,
क्योंकि इसी अपने सम्मिलित के आधार पर ही इसको जो है एक अलग से जो है ग्रुप में रखा गया है, एक अलग से डिवीजन में रखा गया है। उस डिवीजन का नाम रेडिएटा। तो इसको उसके सिमेट्री के आधार पर, क्योंकि इसकी जो है किसी पोजीशन में स्थित जंत्र को काटने पर दो समान भागों में बन जाता है, इसलिए इसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट होती है। तो इसमें रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। अगर इसके माउथ प्रेजेंट है, मान लेते हैं माउथ किसी से नहीं पाया जाता है, मान लेते हैं इफ माउथ प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, मान लिया कि मुख इसमें प्रेजेंट है, तो जो मुख होता है वो एक फूला हुआ जो है हाइपोस्टोम से घिरा होता है, ठीक है, सराउंड्स बाय फूला हुआ, सराउंड्स बाय ए हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम से जो है ये घिरा हुआ होता है, जो फूला हुआ था सरिंग टाइप का होता है, कभी फूला हुआ एक हाइपोस्टोम होता है उससे जो मुख घिरा होता है, और उस मुख के चारों ओर यानी इसी हाइपोस्टोम के बीचों बीच पार्ट पाया, और इस हाइपोस्टोम से जो है बहुत सारे छोटे छोटे टेंटिकल्स, एक लंबे लंबे पतले बेलनाकार जो टेंटिकल्स यहां से निकलते हैं। असल में जो टेंटिकल्स होते हैं ये टेंटिकल्स संवेदी अंग होते हैं, इसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, टेंटिकल्स संवेदी अंग होते हैं, जो हाइपोस्टोम से लटका हुआ इस मुख के चारों से घेरे रहता है उसको टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स जो होता है लंबे लंबे से नलिका, वो फिलामेंटस होता है, जिसे संवेदी अंग के नाम से जानते हैं। बॉडी की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जैसे मैंने बताया। तो डिप्लोब्लास्टिक में जो इसका आउटर होता है एक्टोडर्मल लेयर कहलाता है, वो एक्टोडर्मल लेयर क्लियर, और जो इनर वाला होता है ये यहां पर गैस्ट्रोडर्मल लेयर कहलाता है, गैस्ट्रो डर्मल लेयर कहलाता है। इसको हम लोग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं, गैस्ट्रोडर्मल लेयर को गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं। इसके बीचों बीच भाग में यहां पर अगर हम देखें तो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीचों बीच भाग में यहां पर जो है एक मेसोग्लिया नामक जो है तंत्र पदार्थ यहां पर भरा होता, ढीला ढाला सा एक पैनकाइनोस्टस जो अस्तर है, मेसोग्लिया का एक अस्तर जो इसमें बीचों बीच भाग में होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आउटर है इनर है इस पर जो है, चाहे वो स्टेनिंग सेल जो आउटर पर पाया जाए या इनर मेम्ब्रेन पर पाया जा सकता है, या कभी कभी दोनों अस्तरों पर जो है यहां पर जो है जो स्टेनिंग सेल्स होते हैं पाए थे। स्टेनिंग सेल्स के अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टेनिंग सेल्स के इसी पाया जाता है और किसी फाइलम के जंतु नहीं पाया जाता। स्टेनिंग सेल जो होता है ये एक सुरक्षा करने का कार्य करता है, इस स्टेनिंग सेल के द्वारा यह शत्रुओं को, शत्रु से अपनी सुरक्षा करना और शिकार को पकड़ने में सहायता करता है। तो ये इसके लिए काफी जो हेल्पफुल होता है जो स्टेनिंग सेल्स यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके बात जो इसके सम्मित जो है वो तो अरी सम्मित इसमें जो है प्रेजेंट होता है। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात, वो क्या नाम है, रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में जो पॉलिप वाला होता है ये पॉलिप, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कार्य करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि जो मेडुसा होता है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बारी बारी से आते हैं, यानी यहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण, मीन्स एवर असेक्सुअल एवर सेक्सुअल, एवर असेक्सुअल एवर सेक्सुअल, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है ये मेटाजेनेसिस कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहना। जिस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होते हैं, यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल नेचर का भी जो यहां पर रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम इसमें बात करें इसमें तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की, तो इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ध्यान रहे जो नर्वस सिस्टम होता है वो अनडेवलप्ड होता है, अविकसित होता है, अनडेवलप्ड, और
जालिका में होता है, रेटिकुलेट होता है, जालिका मत होता है। इसमें अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें जो ब्रेन की बात करें, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, इसमें एब्सेंट होता है। मतलब इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये इसमें जो है एब्सेंट होता है। तो ये इसके फीचर्स थे, जिसके कुछ जनरल कैरेक्टर थे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला इसके पॉलीपोर मेडुसा का पाया जाना, जो किसी भी फाइलम के जंतु में नहीं पाया जा रहा, पहली चीज। स्टिंगिंग सेल्स का पाया जाना, जो किसी भी जंतु में नहीं पाया जा रहा है। मेसोग्लिया का अस्तन के बीचों बीच पाया जाना, ये भी किसी में जो है उपस्थित नहीं होता है। और मेटाजेनेसिस टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, तो ये भी इसका जो है काफी इंपॉर्टेंट यूनिट रहता है। अब बात करते हैं इसे क्लासिफिकेशन की, बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन तो इसको भी जो है तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, इसको भी तीन क्लास में डिवाइड किया गया। पहला है हाइड्रोजोवा, पहला जिसमें क्लास होता है वो हाइड्रोजोवा होता है। उसके बाद यहां पर जो है स्काइफोजोआ होता है, दूसरा क्लास स्काइफोजोआ जोआ, और तीसरा क्लास होता है एंथ्रोजोआ, एंथ्रोजोआ होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है वो फाइसेलिया, क्योंकि इसमें कोर्स में है फाइसेलिया, जो कि बहुत ही यूनिक कैरेक्टर्स का होता है, तो जो है फाइसेलिया को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोजोवा होता है, उस हाइड्रोजोवा के अंतर्गत आता है फाइसेलिया, हाइड्राबीसी के अंतर्गत आता है। तो आज स्टार्ट करते हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया में क्या पढ़ना है नहीं जान लेंगे, सबसे यूनिक क्या है उसमें, फाइसेलिया सबसे पहले समझ लें जो फाइसेलिया होता है, इस फाइसेलिया को और किस नाम से जानते हैं। तो इसे जो है पुर्तगीज, पुर्तगीज मैना वार के नाम से जानते हैं। तो इसको जो है पुर्तगीज मैना वार के नाम से जानते हैं, क्योंकि पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से इसको जो है जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके पुर्तगीज मैना वार, इसको स्क्रीन पर सही करते हैं, पुर्तगीज मैनाफ वार। इसका नाम रखा गया पुर्तगीज मैनाफ वार, क्योंकि जो पुर्तगाली युद्धपोत हुआ करते थे, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो इस प्रकार के जो फाइसेले यहां पर बनता है। फाइसेले की अगर आकृति की बात करें तो कुछ इस प्रकार से यहां पर संरचना जो है ठीक है, ये इस तरह से जो है इसमें संरचना होती है। इस भाग को न्यूमेटोफोर कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस पर जो है कुछ क्रिस्ट भी जो है जमा होते हैं, काफी एक आउटग्रोथ होता है, जाता है चट्टान की लाइफ जो है अभिवृद्धि निकलती है, इसको जो है न्यूमेटोफोर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें जो ये पूरा समूह है यहां से निकला हुआ है, इसको कहते हैं कॉर्मीडियम, कॉर्मीडियम। असल में जो कॉर्मीडियम होता है ये ग्रुप ऑफ जॉइंट्स होता है, इसको हम लोग ग्रुप ऑफ जॉइंट्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ जॉइंट्स। हिंदी में जॉइंट्स को जीवक कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है वो जॉइंट्स ही होते हैं, जॉइंट्स को हम लोग को पढ़ना है। जो इसमें जॉइंट्स होता है, ये जॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फीचर आता है पुर्तगीज मैना फॉर्मली फाइसेलिया का। इसमें ज्वाइस पाए जाते हैं, यानी यहां के जिसका हाइपोस्टोम है, ये हाइपोस्टोम यहां पर पूरा हुआ सा भाग है, जिसको न्यूमेटोफोर के नाम से भी जानते हैं।
ये न्यूमेटोफोर होता है, इसको मेडुलरी भाग भी कहते हैं, और ये यहाँ से पॉली भाग निकला हुआ है, कहीं कहीं पर टेंटिकल सी भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, यहाँ देखें टेंटिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जिसे जो न्यूमेटोफोरा या जो हाइपोस्ट्रोमा, इसी के नीचे से यहाँ पर एक ज्वाइंट्स निकलते हैं, ज्वाइंट्स के समूह को कार्मीडियम कहते हैं, ज्वाइंट्स के समूह को कार्मीडियम के नाम से जानते हैं। यानी जो कार्मीडियम है, उस कार्मीडियम से जो है चार प्रकार के ज्वाइंट्स निकलते हैं, यानी ग्रुप है कार्मीडियम, क्या है ग्रुप है ज्वाइंट्स। तो जो कार्मीडियम होता है, इस कार्मीडियम से जो है फोर टाइप के जो है ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, फोर टाइप के ज्वाइंट्स में जो है पाए जाते हैं। पहला जो ज्वाइंट्स होता है, देखिए इसमें जो ज्वाइंट्स होता है, जो जीवक होता है, जीवक के थ्रू जो है इसमें किसी मुख पाया जाता है, किसी में टेंटिकल्स पाया जाता है, तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है। तो सबसे पहला इसमें है गैस्ट्रो ज्वाइंट्स, गैस्ट्रो ज्वाइंट्स, देखिए एक एक से नाम इसमें पूरा ध्यान से देखेंगे, गैस्ट्रो ज्वाइंट्स। जो गैस्ट्रो ज्वाइंट्स होता है, इसमें माउथ एब्सेंट होता है, वो इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, ध्यान है गैस्ट्रो ज्वाइंट्स में माउथ तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें टेंटिकल्स नहीं पाया जाता है, टेंटिकल्स एब्सेंट। इसी को थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसमें कौन सा भाग पाया जा रहा है, गैस्ट्रो ज्वाइंट्स में माउथ तो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जो टेंटिकल्स नहीं पाया जाता है, अतः इनका जो मुख्य काम होता है, ये भोजन को जो है चबाने का काम करते हैं, ये भोजन को चबाने या पचाने का काम करते हैं, ये फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसमें करते हैं फूड डाइजेशन। तो पहला जो था गैस्ट्रो ज्वाइंट्स, ये फूड डाइजेशन में इसका जो है मुख्य कार्य होता है। दूसरा होता है डक्टाइलो ज्वाइंट्स, डक्टाइलो ज्वाइंट्स का माउथ एब्सेंट होता है, माउथ एब्सेंट होता है, लेकिन टेंटिकल्स इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। तो इसी टेंटिकल्स के द्वारा जो है वो भोजन को पकड़ने का काम करता है, ठीक है, अपना जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को लेने का काम करता है, यानी कि ये भोजन को पकड़ता है, ठीक है, कैच ऑफ फूड, भोजन को पकड़ने का काम करता है, ये इसे टेंटिकल जो प्रेजेंट है उसको डक्टाइलो ज्वाइंट्स के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है ब्लास्टोस्टाइल्स, ब्लास्टोस्टाइल्स, ब्लास्टोस्टाइल्स अगर याद तो ठीक है, नहीं तो इसका एक और नाम है गोनो ज्वाइंट्स जिसको कहते हैं, या गोनो ज्वाइंट्स। जो ब्लास्टोस्टाइल्स होते हैं या गोनो ज्वाइंट्स होता है, ये यहां पर जो इसमें जो क्या नाम है माउथ और टेंटिकल्स, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं, माउथ एंड टेंटिकल्स आर एब्सेंट, ये दोनों यहां पर एब्सेंट होते हैं, माउथ एंड टेंटिकल यहां पर एब्सेंट होते हैं। तो इसमें केवल डंठल की भांति पॉलिप प्रेजेंट होता है, इसमें जो केवल पॉलिप जो है वो प्रेजेंट होता है, पॉलिप प्रेजेंट होता है। अगर चौथा जो होता है वो है गोनो ज्वाइंट्स, ओ गोनोफोर्स, गोनोफोर्स जो होता है इसमें माउथ एंड टेंटिकल्स एब्सेंट होता है, लेकिन छोटे छोटे मेडुसा का बना होता है, तो छोटे छोटे मेडुसा का बना हुआ होता है। इस तरह से चार प्रकार के ज्वाइंट्स जो होते हैं समूह को कार्मीडियम कहते हैं। ये कार्मीडियम से चार प्रकार के ज्वाइंट्स निकलते हैं, गैस्ट्रो ज्वाइंट्स, डक्टाइलो ज्वाइंट्स, ब्लास्टोस्टाइल्स या गोनो ज्वाइंट्स, और चौथा होता है गोनोफोर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस फाइसेलिया पर। फाइसेलिया को पुर्तगाली दुपोत के नाम से जानते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से भी इसको जो जानते हैं, क्योंकि अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो जैसे पुर्तगाली दुपोत होता है उस प्रकार के इसके जो है कुछ फिगर जो है बनकर के आता है, इसे इसका नाम रखा गया है पुर्तगाली युद्धपोत। तो फाइसेलिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें कैरेक्टर एग्जांपल है, उसको जो है कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ज्वाइंट्स बहुत पूछते हैं कि ज्वाइंट्स में किससे संबंधित होता है। तो गैस्ट्रो ज्वाइंट जो है फूड डाइजेशन से संबंधित होता है, डक्टाइलो ज्वाइंट्स फूड को पकड़ने में सक्षम होता है, ब्लास्टोस्टाइल्स केवल पॉलिप प्रेजेंट होता है यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और गोनोफोर्स में मेडुसा प्रेजेंट होता है यानी सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ये इसके जो है फाइसेलिया जो इस फाइलम नाइडेलिया का एग्जाम्पल है उसको यहाँ पर समझे। इसके अलावा और इसमें जंतु आते हैं, ओबेलिया आता है, आरेलिया आता है, हाइड्रा आता है, तो और इसमें बहुत सारे जंतु आते हैं। ठीक है, तो ये फाइलम नाइडेलिया काफी इंपॉर्टेंट था। अगले पार्ट हम लोग नेक्स्ट फाइलम में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।